ये है औरंगाबाद के लोग। कहा गया ना कि औरंगाबाद के लोग जब किसी को प्यार देते हैं तो पूरे शिद्दत से देते हैं। वही देखिए आज के डेट में जब औरंगाबाद में पवन सिंह पहुंचते हैं औरंगाबाद के देवनगरी में, तो देखिए किस तरीके से पवन सिंह को निहारने के लिए, पवन सिंह को प्यार देने के लिए, पवन सिंह को एक झलक देखने के लिए, पवन सिंह का स्वागत करने के लिए इस तपती गर्मी में खड़े हुए हैं। कहा गया है कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं। इनकी पावर भोजपुरी इंडस्ट्री में सर चढ़ के बोलती है। आज के डेट में पवन सिंह काराकट से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी निर्दलीय। कहा गया है, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन पवन सिंह की दिली इच्छा थी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार से, बिहार से किसी भी राज्य से दे दिया जाए मैं उस राज्य से चुनाव लड़ लूंगा और अपनी ताकत, अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी वो जो क्षमता है हमारे में, उस क्षमता से मैं उस जगह का सीट अपने हाथों कब्जा लूंगा। लेकिन पवन सिंह को अब बीजेपी आसनसोल से टिकट देने के अलावे किसी और जगह से टिकट नहीं दे रही थी, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह पूरी तरीके से कमर कस चुके थे कि बिहार से ही मुझे चुनाव लड़ना है, चाहे कोई पार्टी दे सीट टिकट या ना दे, मुझे निर्दलीय से लड़ना है तो लड़ना है। और वही आज के डेट में पवन सिंह काराकट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनमें से नंबर वन के पायदान पे हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में जब गाना गाते हैं, फिल्म करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि जितने भी यूपी बिहार के तमाम लोग हैं वो लोग पवन सिंह को एकदम से बहुत ही बेहतरीन इंसान समझते हैं। लेकिन कहा गया है कि ये तो रील्स लाइफ का मैटर था, लेकिन अब रियल लाइफ का मैटर लेकर के आए हैं काराकट से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह। और सच्चाई बता रहा हूँ, जिस तरीके से औरंगाबाद में इनकी एंट्री होती है, चुनावी सभा से पहले औरंगाबाद के देव मंदिर में इनकी एंट्री होती है, समझ लीजिए कि एक कलाकार को सबसे पहले अगर स्टेज पर पहुंचता है बंदा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले भगवान का नाम लेता है। और वही सेम चीज आज के डेट में काराकट से चुनाव लड़ने के दरमियान पवन सिंह औरंगाबाद के देव मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, और करने के बाद तमाम पब्लिकों को ये बात बिल्कुल सही है कि औरंगाबाद के लोग काराकट में जाकर के चुनाव नहीं, वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पवन सिंह अपने चाहने वालों के लिए देखिए किस तरीके से फोटो क्लिक करवाते हैं और लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है काराकट में जब चुनावी सभा करेंगे तो उनके चाहने वाले, उनके म्यूजिक सुनने वाले, उनके वीडियोज देखने वाले, उनकी फिल्म देखने वाले लोग भी उस जगह पर पहुँचे। लेकिन मैं बता दूं कि पवन सिंह का इस तरीके का दिल है, वाकई में जब पवन सिंह दर्शकों के साथ पहुंचेंगे तो उनकी बात भी रखेंगे। और सच्चाई में बता रहा हूं कि जो पवन सिंह की जो चाहत है, दिली तमन्ना है कि मुझे चुनाव लड़ना है काराकट से, काराकट से चुनाव तो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन देखना यह है कि पवन सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कमाल कर चुके हैं वो क्या सच में आप पॉलिटिक्स में भी कमाल करेंगे। जिस तरीके से पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर वन पायदान पे खड़े हैं, क्या सच में पवन सिंह पॉलिटिक्स में भी, काराकट में भी नंबर वन पायदान पे खड़े होंगे, ये चीजें देखना भी बाकी है। लेकिन देखिए किस तरीके से पवन सिंह एकदम से चुप्पी साधे हुए हैं और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह का सिर्फ एक ही मकसद था कि यदि मैं औरंगाबाद में आया हूं और औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर जो बिहार के सुप्रसिद्ध और सबसे भव्य मंदिरों में से एक है, इस जगह पे अगर मैं आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना के लिए आया हूं, ये ना कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और सच्चाई बता रहा हूं, जिस तरीके से पवन सिंह एकदम से शांत होकर के अपना पूजा पाठ करते हैं और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों की बातें सुनते हैं और माथे पे तिलक लगाते हैं और लगाने के बाद तमाम लोगों के सामने से फोटो क्लिक करवाते हैं और क्लिक करवा लेने के बाद फिर अपने गाड़ी पे पहुंचते हैं और इसके बाद अपने मंजिल की ओर चले जाते हैं। 23 तारीख से काराकट में जो चुनाव
प्रचार होगा वो वाकई में काबिलियत तारीफ होगा और 23 तारीख से पवन सिंह चुनावी सभा करना स्टार्ट कर देंगे। पवन भैया ऊपर, ऊपर पवन भैया, पवन भैया जिंदा।